कोरोना संक्रमण के बीच पूरे देश में आज रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, और ऐसे में आगरा के तमाम मंदिरों में किस तरह की हाल है, किस तरह की भीड़ उमड़ रही है या नहीं उमड़ रही है, इसके लिए तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन सिद्ध मंदिर है, माँ वैष्णो देवी मंदिर गोकुलपुरा में। आज के दिन यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती थी, शाम को बड़ा भंडारा होता था, गणगौर का मेला यहाँ आयोजित होता था। इसके साथ ही तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी, लेकिन इस बार की जो स्थिति है पूरी तरह से अलहदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि मंदिर परिसर में एक बार में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रवेश ना दिया जाए, और लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इक्का दुक्का भक्त ही हैं इस समय मंदिर पहुँचे हुए हैं, और वही घरों में रहकर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। महंत कमलेश तिवारी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, किस तरह से आप भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपने मंदिर के बाहर लगा दिया है कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश ना करें। आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, किस तरह का माहौल है, क्या कार्यक्रम इस बार रद्द किए गए? इस बार सभी ये प्रोग्राम होते थे अपने माता वैष्णो देवी के, भंडारा होता था शाम को, और आपके गोकुलपुरे में गणगौर का मेला, सब रद्द कर दिए गए, क्योंकि ये महामारी इतनी फैल चुकी है कि बड़ा वो कठिन हो रहा है। तो इस वजह से हम भी मंदिरों में बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, ठीक है, एक एक दो दो करके अंदर जाने दे रहे हैं, जल चढ़ा के अपने आ जाओ बाहर। महिला श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। ऐसा माहौल तो आपने भी कभी नहीं देखा होगा, क्या लगता है कि माता रानी कृपा करेंगी, इस कोरोना रूपी राक्षस का संहार होगा, भगवान राम इस पर कृपा करेंगी? कुछ भी नहीं है, सब भजन होते थे, बेटा होती थी, कुछ भी नहीं हो रहा है इस बार, कुछ भी बस फीका लग रहा है, बस कुछ नहीं है। इस तरह का माहौल है, लगातार कोरोना संक्रमण ने आगरा में भी रफ्तार पकड़ी है, तो ऐसे में लोग अवॉइड कर रहे हैं, लोग अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं तमाम। आप बताइए कि इस बार का जो पूरा जो रामनवमी का जिस तरह से उल्लास रहता था, तमाम शोभा यात्राएं निकल रही हैं, गाजे बाजे के साथ लोग हर्षोल्लास मना रहे हैं, ये ऐसा माहौल नहीं है, कहीं ना कहीं कोरोना ने इस चीज़ को रोका है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, पूरे देश में जो माहौल है वो बहुत दुखद है, और यहाँ जिस मंदिर प्रांगण में हम खड़े हैं, यहाँ शाम को कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों का भंडारा हुआ करता था, पिछले 2 वर्षों से वो नहीं हुआ है। यहाँ महिलाएं भेंटे गाती थी, ये पूरा प्रांगण भरा रहता था, वो भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सुबह पूजा के लिए मतलब इतनी भीड़ अग्यारियों की हुआ करती थी, वो भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कोरोना महामारी का ही प्रकोप है, लोग समझदार हैं, अपने आप एक एक दो दो करके घर से निकल रहे हैं, और प्राचीन गणगौर मेला भी इस बार यहाँ नहीं लगा है, जो कि पिछले 100-125 वर्षों से लगातार लगता आ रहा है। प्राचीन गणगौर मेला भी इस बार नहीं लग रहा है, तमाम शोभा यात्रा के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। ना केवल इस माँ वैष्णो माता मंदिर का ये हाल है, आगरा के तमाम जो राम मंदिर हैं, जो माँ के मंदिर हैं, वहाँ सब जगह एक ही स्थिति है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बाहर निकलना कहीं ना कहीं संक्रमण की चपेट में ना आ जाएं। और जिस तरह से इस समय जो पूरा संक्रमण है वो एयरबॉर्न हो रखा हुआ है, हवा में फैला हुआ है, तो ऐसे में लोग आज घरों में रहकर ही रामनवमी का पर्व, चैत्र नवरात्र का जो आज नवमी है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।